इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है। जाना चाहेंगे गहलोत साहब, बीजेपी हजका गठबंधन की म्याद क्या खत्म हो चुकी है? आपका तजुर्बा क्या बताता है, क्योंकि कई गठबंधनों को बढ़ते पलते टूटते आपने प्रदेश में देखा है। और एक और बयान, इसमें हल्का सा इशारा मनोहरलाल खट्टर के बयान में ये था कि कुछ और दल हमसे गठबंधन की फिराक में हैं। ये दल कौन से हो सकते हैं, क्योंकि विश्लेषक इनेलो को मानकर चल रहे हैं। हालांकि इनेलो की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं है और इनेलो पीछे ये साफ मना कर चुका है कि वो किसी के साथ कोई गठबंधन करेगा। जहाँ तक अम्मू भाई की बात है जी, मैं सूरजपाल जी की बजाय इनको अम्मू जी कहता हूँ जी जी। इनकी जहाँ तक बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि इनके मुंह में घी शक्कर। आज इन्होंने पहली बार तो माना कि चट्टान की तरह हम एक रट लगे सुन रहे थे बहुत अरसे से जी। जिस भी गठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत कहा जाता है, हरियाणा की जनता मानती है कि वो गठबंधन सबसे कमजोर है। अगर ये गठबंधन पहले टूट गया होता तो और भी बेहतर रहता। जहाँ तक आज जो राजनीति की ABC भी जानता है, उनको सबको पता था कि देर सवेर ये गठबंधन टूटना है। परंतु मेरे मित्र रामविलास शर्मा के मुंह से जब हमने सुना जी, जो आज से 2-3 दिन पहले तक भी इस गठबंधन को बड़ा मजबूत बता रहे थे, तब लोगों को जची है कि हाँ अब तो ये गठबंधन गया। और जहाँ तक आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न की भी बात में तो आपको एक ही चीज कहूंगा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि इनसे कौन गठबंधन के लिए हाथ बढ़ा रहा है या ये किसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और उसमें इनको क्या फायदा और क्या नुकसान नजर आ रहा है जी। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, वो हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि जब हमें गठबंधन की आवश्यकता थी तब गठबंधन हुआ नहीं, और आज जो है हम गठबंधन में बिल्कुल भी हमारी रुचि नहीं है। कम से कम यानी गहलोत साहब, ये तो वही बात हो गई कि हमें जरूरत थी, आपने साथ नहीं दिया। अब अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम खुद सक्षम हैं ये लड़ाई लड़ने के। आज आर के आनंद जी ने कहा है कुछ, गोपी भाई आज आर के आनंद जी ने कहा है कि भाई गठबंधन हो जाना चाहिए था, और मुझे आज उनकी बातों से लगा कि अभी भी उनके मन में ऐसा है। नहीं, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं मुझे आप। नहीं, आज ही, आज लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे थे गठबंधन हो जाना चाहिए था। तब तो पूरी इनेलो चाह रही थी कि गठबंधन हो जाना चाहिए, लेकिन उनका करने को तैयार नहीं। आगे भी मन मुझे नजर आया। देखो, मेरे को एक बड़ी स्पष्ट चीज वो है, इनेलो नहीं चाह रही थी, हरियाणा प्रदेश की जनता राजीव जी चाह रही थी कि कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए जो भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं वो एक मंच पे आके लड़ती, तो फिर ये 7-8-6 का खेल नहीं होता, फिर तो 10-10 का होता और वो बहुत बड़े ऐसे मार्जिन से होता, और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी उसका एक प्रभाव आपको देखने को मिलता। मैं आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस जाएगी और आने वाले टाइम में प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश की समस्याओं को इनेलो क्षेत्रीय दल होने के नाते बेहतर तरीके से जानती है, इनेलो की सरकार आई। लेकिन गहलोत साहब, बीजेपी तो लोकसभा चुनाव से काफी उत्साहित है, जो विधानसभाओं में उन्हें बढ़त मिली है जिस तरह से, उससे वो ये कह रहे हैं कि अब हर चंडीगढ़ पर उनकी दावेदारी है और वो सरकार बनाएंगे। मैं एक बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि जो मोदी लहर उन्हें देश में थी, जो सत्ता तक ले गई, वो हरियाणा में उन्हें विधानसभा तक ले जाएगी। राजीव जी, इन दोनों चुनाव का कोई आपस में मेल नहीं है। लोकसभा का चुनाव जो एक अलग उस पर लड़ा गया है, विधानसभा के चुनाव जो है अलग मुद्दों पर लड़े जाएंगे, अलग उसका वो होगा। और आप तो दिल्ली में बैठे हो, आपके सामने मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले ही जी दिल्ली में चुनाव हुए, एक ऐसा करंट जिसको कोई महसूस नहीं करता था, आप पार्टी के रूप में 28 सीटें लेके आए, और वही आप पार्टी कुछ ही दिन के बाद, 2 महीने के अंतराल के बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो उसमें उसकी स्थिति कुछ
ओली नजर आई, यही आप हरियाणा में महसूस कर रहे हैं। गहलोत साहब, इंडियन नेशनल लोकदल का कोई गठबंधन बीजेपी से विधानसभा चुनाव में होने नहीं जा रहा है। खट्टर साहब अपने बयान में जो इशारा कर रहे हैं वो किसी और पार्टी के बारे में होगा, इनेलो के बारे में कतई नहीं। हाँ, वो ज्यादा बेहतर तो है कि आप खट्टर साहब से किसी दिन बुला के पूछ लें जी, क्योंकि शक्ति पुंज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में वो है, या फिर अम्मू भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये बता देंगे कि इनका गठबंधन किससे हो रहा है जी। और आज तो हरियाणा में पार्टियां इतनी होगी, आप किस किस का गठबंधन कराओगे, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। यहाँ तो आज जिसमें दम होगा वही प्रदेश में अपनी पोजीशन लेके आएगा और अपनी सरकार वही प्रदेश में अपनी पोजीशन लेके आएगा। राहुल राव साहब, बीजेपी हजका गठबंधन आपके लिहाज से कब तक खत्म हो जाना चाहिए, जो स्थिति दिखाई दे रही है, और इसके खत्म होने से, टूटने से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? राजीव भाई, हरियाणा की जनता, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है गठबंधनों को लेके, उसके बारे में भली भांति परिचित है। भारतीय जनता पार्टी जब भी गठबंधन करती है मौके के अनुसार करती है, उसको बाद छोड़ देती है। तो चाहे भी रहे कि परिस्थितियां बदल गई। हाँ, परिस्थितियां नहीं, पहले नहीं कह रहे थे ना, चुनाव के बाद चुनाव आया वो यही आया कि परिस्थितियां बदल गई, वही कह रहे हैं। चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार से गठबंधन तोड़ने की बात रही हो, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की सरकार को गिराने की बात रही हो, इन्होंने गठबंधन के अपने साथियों के साथ हमेशा धोखा किया है। जहां तक बात है इनके गठबंधन करने की, चाहे वो इनेलो के साथ हो, भाजपा के साथ हो, मैं समझता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी इस वक्त संसारिक जीवन में नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी है, और बंसीलाल जी के समय में जो लोग थे, राजनीति करते थे, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं, इस समय हरियाणा की राजनीति में हैं, वो जानते हैं और वो भली भांति परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी से हकीकत में तो कोई गठबंधन करना ही नहीं चाहता हरियाणा की राजनीति में। ये बार बार हंजका अगर अंदरूनी तौर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस से भी पूछेंगे तो उन्होंने भी मजबूती के साथ कह दिया कि 15 दिन का अल्टीमेटम है। जब इन्हें लगा कि गठबंधन नहीं हो रहा है तो इनके नेता अलग अलग देके भ्रमित करने का काम करते हैं। जहां तक अम्मू जी ने कहा, राहुल जी की बात की, राहुल गांधी जी की बात की और प्रदेश की भी बात की, राहुल जी संगठन का हिस्सा है, पहले भी थे, सरकार में कभी रहे नहीं, तो आज भी सांसद के रूप में संसद में है और कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में है, और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता तो हर प्रदेश के अंदर है, हमारी भूमिका तो एक साधारण कार्यकर्ता की होती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, जैसे आदरणीय गोपीचंद गहलोत जी ने कहा, जिस पार्टी के संगठन में दम होगा, जिसके संगठन की शक्ति होगी, वो जनता तय करेगी कि हरियाणा की बागडोर किसे सौंपनी है, और निश्चित तौर पर सभी पार्टियां अपनी नीतियों को लेकर जाएगी और हम भी अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो फैसला देगी उसको। राहुल जी, आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं, आप अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता सम्मेलनों का जो हाल है, जो हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से बड़े नेताओं के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं बयानों के जरिए, वो क्या इशारा कर रहे हैं? राजीव भाई, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में निश्चित तौर पे अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा नहीं, कि वो विचार क्या यहां तक चले जाए, विधायक जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे, क्या क्या ये विचार या ये विरोधाभास, तो उसपे कड़ा संज्ञान लिया गया माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया कड़े संज्ञान इधर लिए गया अशोक की तरफ से। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, उन्होंने अगर जो ये इस तरह की है तो वो इसका फल भुगतेंगे। संगठन में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर आने वाले समय में, जो अशोक तंवर जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से कांग्रेस का जो संगठन है, एक साफ है कि अगर जो पार्टी का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, और जिस व्यक्ति जो संगठन के फैसले को नहीं मानता तो बाहर रहेगा। कल अशोक तंवर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि राजपाल भूकड़ी ने माफी मांग ली है, लिखित माफी मांगी है, उन्होंने कहा है कि वो आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे वगैरह वगैरह। 24 घंटे भी नहीं हुए कि राजपाल भूकड़ी ने रिवर्ट बैक किया, उन्होंने कहा मैंने कोई माफी नहीं मांगी है, अगर मेरी लिखित माफी उनके पास है तो वो मीडिया को दिखाएं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। इससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष है अशोक तंवर, इसलिए वो चले जाएंगे उनके कार्यक्रमों में, कार्यकर्ता सम्मेलनों में, मुख्यमंत्री जहां होंगे वहां वो नहीं जाएंगे। इसे किस अनुशासनहीनता, किस दायरे में पार्टी देख रही है? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, आप कह रहे हैं कि बड़ा कड़ा संज्ञान लिया गया है। सबसे पहले अवतार सिंह बड़ाना ने एक कदम आगे बढ़ के यही बात कह दी। अवतार सिंह बड़ाना कल ये कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री की शह पर हरवाया गया है। कल की अगर आप उनकी पलवल की प्रतिक्रियाएं सुन लें तो आपको लगेगा कि उनकी भाषा में किस कदर अनुशासनहीनता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ हुई। राजीव भाई, जहां तक बात की आपने भूकड़ी जी की, जिस बारे में प्रदेश के अध्यक्ष का बयान आ गया कि और उन्होंने नोटिस भेजा, ये तो सबके सामने, भूकड़ी जी ने भी माना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे नोटिस, कोई माफी नहीं मांगी, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि नोटिस भेजा ये तो निश्चित है, और माननीय अशोक तंवर जी ने कहा है कि उन्होंने माफी मांगी है,
और भुखड़ी जी नहीं कह रहे हैं तो अनुशासनहीनता का नोटिस तो उन्होंने माना है, कोई बात नहीं, अगर उनकी ये नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी जल्दी इस बारे में निर्णय ले देंगे। और जहां तक बात है उनका दूसरा बयान मैंने नहीं देखा है। अच्छा राहुल जी, क्या बड़े परिवार का मतलब ये होता है कि जिस भी जगह जिस भी जिले में आप जाएं कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए वहीं किचकिच हो, वहीं हंगामा हो, वहीं गुटबाजी सामने आए, और वो भी तब आए जब आपके मुख्यमंत्री आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद हो? देखिए क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है, निश्चित तौर पे बड़े परिवार में अलग अलग विचार लोगों के होते हैं। अब तो परिवार सीमित हो गया, बाहर बड़ा कहाँ है, अब तो बड़ा मेरे ख्याल में कोने में लगने वाली नौबत आ गई। हरियाणा में स्थिति जो है राष्ट्रीय स्तर के चुनाव चुनाव पे जो प्रदेश का चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है।